नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, जब कोई प्यार दिखाकर मुकर जाए तो क्या करें। आप लोगों, जो भी आप लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है ये आ रही है कि भाई रिलेशनशिप में हम हैं और सब कुछ बहुत सही चल रहा है, पर अचानक से वो मुकर जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है, उसकी जो थिंकिंग है वो बदल जा रही है, अब वो पहले जैसा प्यार नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि हमारा प्यार वापस आ जाए, हमारी जो वाइब्रेशन है वो कनेक्ट हो जाए, फिर से सारी चीजें अच्छी हो जाएं, ये रिलेशनशिप फिर से एक अच्छी रिलेशनशिप की तरह दिखे, हमारा खोया हुआ प्यार वापस आ जाए, इन शॉर्ट। और खासकर तब जब वो सामने से मुकर जाए, वो बोल दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पहला। दूसरा कि अब मुझे तेरे से बात करने में मजा नहीं आता है। तीसरा, तू अब पहले जैसी नहीं रही इसलिए मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूं। चौथा कि अब जो है वो थर्ड पार्टी आ गई है उसके लाइफ में, उस वजह से उसने आपको छोड़ दिया है, लड़ाई वड़ाई करके, बहाना करके, कुछ भी आपको छोड़ दिया। इन सारे केसेस में जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप भी अगर अपने प्यार से दूर हो, जुदा हो और चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा, आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। गाइस, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सामने वाला जो है वो मुकर क्यों रहा है। चाहे वजह कुछ भी उसने दिया हो, पर एक वजह तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आपसे ज्यादा किसी और चीज में इंटरेस्टेड है, या फिर जिस इंटरेस्ट के लिए आपके पास था वो खत्म हो गया है। हम क्या करें कि वापस से इंटरेस्ट आ जाए, हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का, लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, जो मुकर गया है उसको वापस कैसे लाए। सबसे पहले आप ये समझो कि आप इस चीज में अपने आप को कहां देखते हो, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप जो एक पूरी की पूरी पर्सनैलिटी हो, अपने आप को आप कहां पर देखते हो, जहां भी देखो, पर उसके कंपेयर में आप नीचे हो। नीचे मतलब क्या, वाइब्रेशन जो आपकी है वो उसके कंपेयर में आपकी वाइब्रेशन लो है। तभी आज आप दुख में हो, वो खुश है, तभी वो अपने मान्यता कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग आज भी उसके पागल है। तो आप जो भी टेक्निक्स अभी करोगे, जो भी चीजें आप करोगे उसको वापस लाने के लिए, तो अगर वो टेक्निक आप करते हो और करने के बाद वापस सैड हो जाते हो, तो क्या यूनिवर्स जो है वो आपको आपका प्यार दे देगा, क्योंकि आपने निगेटिव थॉट्स अपने अंदर पाल रखा है, आपने अपने वाइब्रेशन को लो कर रखा है उसकी याद में। तो क्या आप कोई भी टेक्निक करोगे तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। आप जितने भी मंत्रास मैंने दिए हैं, जितनी भी टेक्निक्स मैंने दी हैं, आप करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि साथ ही साथ आप उसके याद में पागल भी हो। उसके याद में पागल होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी वाइब्रेशन लो कर रखी है। अब वाइब्रेशन लो का मतलब क्या होता है सर, तो वाइब्रेशन लो का मतलब यह होता है कि उसको लेकर निगेटिव थॉट आपके दिमाग में है। निगेटिव मतलब क्या, जो भी थॉट आपको खुशी नहीं दे रहा है वो है निगेटिव थॉट। जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, एनीथिंग उससे रिलेटेड, अगर वो थॉट आपके दिमाग में खुशी क्रिएट कर रहा है, आपके बॉडी में खुशी, आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन कोई भी एक ऐसा थॉट उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहा है जिसकी वजह से आप और परेशान हो रहे हो, आप खुश नहीं हो रहे हो, तो वो निगेटिव है। वो निगेटिव थॉट के कारण निगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में क्रिएट हो रही है, और आप कितना भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कर लो, कोई भी मंत्र कर लो, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो निगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हो अपने ही अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक्स या मंत्रास की पावर तब जाके क्लियर कंफर्म होती है जब आप उसको फुल पॉजिटिविटी के साथ करते हो। अब सर ये पॉसिबल कैसे है कि हम पॉजिटिविटी, अब वो छोड़ के गया है तो दुखी तो हम होंगे ना, ऑब्वियसली आप इसको दुखी हो सकते हो, लेकिन इसको सबकॉन्सियस पे सवार मत होने दो, इसको अपने दिमाग में सवार मत होने दो, उसको अपने अंदर ढालो मत, एक थॉट की तरह लो, आया गया, इसको बसा मत लो। तो आप जो रहते हो आप वही मैनिफेस्ट करते हो, ना कि आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट करते हो। किसी एक चीज के बारे में अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका मतलब कि अपने सबकॉन्सियस को हम उसी तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं और वही चीज आपके लाइफ में आ जाती है। तो यहां पे एक सवाल आता है छोटा सा कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। इस पूरे वीडियो का सबसे मूल मंत्र है हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन, आपकी मेंटल लेवल की वाइब्रेशन जब हाई रहेगी तो ऑटोमेटिक जो आपकी विश है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका प्यार है, वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया है कि जो चीज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है उसके तरफ हम खींचे चले जाते हैं अपने आप, बिना किसी, कोई हमें बताता नहीं है कि वो चीज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, हम उसको देखते हैं और पता नहीं एक अजीब सा खिंचाव आ जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनसे आप मिले होंगे पहली बार, तो पहली बार मिले तो आपको लगा, अरे यार मुझे लग रहा है ना कि आपसे बहुत टाइम से बात हो रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से ऊपर थी, उसने अपने और आपको अट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और लगता है कि दोबारा भगवान इसके साथ मिलवाना मत मुझे,
मैं शक्ल तो पता नहीं, मुझे वाइब्रेशन बहुत खराब आ रही थी इससे मिलके, तो इसका मतलब कि आपकी वाइब्रेशन वहां पे ऊपर थी और उसकी कम थी, वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि वो आप उसकी तरफ खींचो, लेकिन आप चाहोगे कि आपकी तरफ होना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां पे हाई थी। तो ये जब हम अपने रियल लाइफ में इस चीज को देखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कोई मतलब भी निकलता है। वाइब्रेशन को हाई कैसे करें? देखो, अपने आप को, अपने खुशी के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास खुद भी उपाय है, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, मिरर में देखने के बाद अपने आप को पहला थॉट क्या आता है ये बताओ? आपको कोई थॉट नहीं आता है, मतलब आप डाउन हो। आपको न्यूट्रल थॉट आता है, हाँ ठीक है, आप डाउन हो। आप अपने आप को देख के जिस दिन बहुत ज्यादा खुश होने लग जाओगे, उस दिन समझ लेना कि आपका काम हो गया, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, सामने वाला आपके पास खींचा चला आएगा बिना कुछ किए हुए। वाइब्रेशन को हाई करने का सबसे जो तीन मूल मंत्र है वो मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से कहीं नोट कर लो या सुन लो। जब भी सुबह उठते हो तो सुबह उठने के बाद जो एक ग्लास पानी लो अपने हाथ में, और एक ग्लास पानी अपने हाथ में लेने के बाद पांच पॉजिटिव अफर्मेशंस दो अपने लिए, यूनिवर्स को, अपने लिए, आई एम द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप हिंदी में बोल सकते हो, बंगाली में बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको जिस भी भाषा में बोलना है बोलो, भाषा से मतलब नहीं है, आपके इमोशन से मतलब है। आप हाथ में पानी लो, पांच अपने बारे में मोस्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस दो और उस पानी को पी लो। पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, इसके ऊपर कोई और वीडियो बना देंगे हम, लेकिन फिलहाल इतना ही जान लो कि उस पानी को आपको पी लेना है। पीने के बाद आप जाओगे पॉटी पुट्टी करोगे, पेट वेट साफ करोगे, वो आप पता नहीं आपकी तो अनपच है ना तुम्हें, मतलब साफ नहीं होता ना, सच बोलो, छी रात भर बस बस छी मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरी जो आप जब फ्रेश हो लिए, पानी वाला बता दिया, आप जब फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद जब आप अपने, आप कॉलेज करते हो, आप घर हाउस मतलब घर में ही रहते हो, या फिर आप कोई काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, डजंट मैटर, आप जो भी करने जाते हो उसके ठीक पहले आप नहा धोवा के रेडी हो गए। नहाने धोने के बाद, रेडी होने के बाद आपको पांच मिनट अपने ऊपर आईने में देख के अपने बारे में पांच लाइंस बोलनी है, वो भी पॉजिटिव, द मोस्ट पॉजिटिव, आंखों में आंखें डाल के। पलक झपक सकती है लेकिन जो नजरें हैं वो कॉन्टैक्ट है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा देख रहे हैं पांच मिनट तक, एक बार इधर भी देख लिया एक बार इधर, नहीं, एकदम आंखों में आंखें डाल के, जैसे तुम मेरी आंखों में देख रही हो, तुम्हें प्यार हो रहा है मुझसे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना, लाइक दिस, एकदम पांच पॉजिटिव मोस्ट अफर्मेशन, जो पांच मोस्ट पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने बारे में देना है। तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन क्रिएट करो, फील होना चाहिए यार, वो चीज आपके बॉडी को फील होनी चाहिए, जो आप बोलते हो वो फील होनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। द थर्ड एंड द लास्ट वन, रात में सोने के ठीक पहले पांच अफर्मेशंस अपने बारे में पॉजिटिव मन में सोच सोच के सो जाओ। आंखें बंद कर ली, पांच अफर्मेशंस आप अपने मन में दो और सो जाओ। दूसरे दिन जो आपके बॉडी और माइंड पे जो असर पड़ेगा ना, आप आके यहां पे कमेंट में बोलोगे सर आपने क्या बोल दिया, ये इतना सिंपल था अपने वाइब्रेशन को हाई करना, वो तो पीछे भागेगा ही भागेगा जो मुकर के गया है। साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी, आप बिजनेस करते हो, आप ऑफिस करते हो, आप कर्मचारी हो, आप पदकधारी हो, आप पुरुपुरु हो, आप फराफरा हो, आप लखुआ हो, आप लफन्नर हो, आप चुचरी हो, आप पुचरी हो, व्हाटएवर, जो भी तुम हो यार, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा दो दिनों में, और जो चेंज आएगा ना वो तुम्हें बदल के रख देगा, तुम्हारी सोच को बदल के रख देगा, ऐसे कैसे हो गया, इतना सिंपल था, अब ये काम कैसे करेगा। जब आप अफर्मेशंस देते हो तो आपकी, एक तो मैंने सुबह पानी वाला बताया, तो वो पानी की अपनी मेमोरी होती है, जो आप बोल रहे हो वो उसमें स्टोर हो रहा है, जब आप उसको अंदर ले लिए तो आपके अंदर गया, बॉडी के हर एक सेल को, हर एक सेल के टॉक्सिक को वो बाहर निकालेगा, जहर को, जो खराब चीज है, निगेटिविटी है, उसको बाहर निकालेगा। जब आप अफर्मेशंस दोगे आपका सबकॉन्सियस रिप्रोग्राम्ड होगा, वापस से आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो कि मेरे बारे में मैं ऐसा सोचता हूं, ए सबकॉन्सियस तू मान कि मैं ऐसा हूं। जब सबकॉन्सियस मान लेगा कि आप ऐसे हो तो चीजें वैसी हो जाएंगी, क्योंकि सबकॉन्सियस का ये फीचर है, जो वो जिस बात पे विश्वास कर लेता है वो चीज सच में हो जाती है। आप विश्वास करके देखो कि सागर मेरे बगल में बैठ के मकई का भूंजा खा रहा है, तो सही में सागर तुम्हारे बगल में बैठ के मकई का पॉपकॉर्न खा के उड़ाएगा हवा में और तुम्हें चार चार कर देगा, पागली, यू अग्री? तो यू हैव टू बी लाइक दैट। What you want in your life, just आप अपने subconscious को उस तरीके से program कर दो, वो चीज आपकी हो जाएगी। तो ये affirmations जब दोगे आपकी vibration high हो जाएगी, और आपकी vibration अगर high हो जाएगी, आप expressive बन जाओगे, confident बन जाओगे, जो मुकर के गया है उसके दिमाग में ये thought आएगा, उसके पास ये energy पहुंचेगी, अरे यार वो अचानक से फिर से मुझे बहुत ज्यादा attractive लगने लगी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है, बहुत ज्यादा प्यारी लगने लगी है, उसके बाल छोटे हैं, उसकी नाक थोड़ी चिपटी है, लेकिन पता नहीं अचानक से फिर से प्यारी लगने लगी है, एक बार ट्राई करता हूं।
हाय, कैसी हो? मिस कर रहा था तुम्हें। आ गया आपके हाथ में, अब जो करना है करो, फेंको, हटाओ, खत्म करो, पेल दो साले को, भाड़ में जा, तेरे जैसे बहुत नमूने हैं मेरे पास। आप ऐसा कर सकते हो मेरी चंपावती, तो ट्राई इट, इससे अमेजिंग ट्रिक अभी तक कुछ नहीं है। द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रिक साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से। आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशंस एंड कोर्सेस। सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। और बिल्कुल आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक क्या होनी चाहिए वो भी आप मुझे सजेशन में दे सकते हो, बिकॉज आपकी जो खुशी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनो, तुम जो हंसती हो ना ऐसे दांत निकाल निकाल के, बड़ी गंदी दिखती हो। टेक केयर यार, गॉड ब्लेस।